मध्य प्रदेश के किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वरदान साबित हो रही है। खेती के जोखिम को कम करने और किसान को राहत प्रदान करने के लिए चलाई जा रही इस योजना के बड़वानी जिले में बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं। पेश है हमारी जमीनी हकीकत। पश्चिम निमाड़ के बड़वानी अंचल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने किसानों के खेती के जोखिम को काफी हद तक कम कर उन्हें राहत और संबल प्रदान किया है। इस योजना के तहत बड़वानी जिले के कई किसान अपनी फसलों का बीमा कर चुके हैं। अब किसान अपने जोखिम को कवर करने के लिए बड़ी मात्रा में बीमा भी करवा रहे हैं। किसानों ने 2018-19 की खरीफ की फसल के लिए 1,14,311 किसानों ने फसल बीमा कराया है। इस योजना का लाभ कृषि से जुड़े श्रमिकों को भी मिल रहा है। एक तरफ जहां किसान जोखिम लेकर फसल लगा रहे हैं, वहीं मजदूरों को पहले से अधिक मजदूरी मिल पा रही है। इस योजना का लाभ ले रहे किसान अब खेती में फसल के नुकसान को वहन करने की क्षमता हासिल कर चुके हैं। मैंने प्रधानमंत्री फसल बीमा करवाया था, हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर दोनों में करवाया था। मेरी फसल केले की फसल लगाई थी मैंने, जो आंधी तूफान की वजह से गिर गई थी, जिसका मुआवजा प्रधानमंत्री फसल बीमा के अंतर्गत मुआवजा मिला है। आगे से सरकार की अच्छी योजना है, आगे से इस किस्म की किसी भी प्राकृतिक आपदा होती है तो किसान रिस्क लेने के लिए तैयार रहता है। फसल बीमा, उससे मेरे को लाभ मिला है और खेती करने में सरकार की अच्छे बीमा योजना है, उससे दुगनी करने में सरकार मदद कर रही है किसानों की। मोदी जी की योजना बहुत बढ़िया है। फसल बीमा करवाया तो इनका हर साल अच्छे आते तो बढ़ा दिए। पहले बहुत पहले से काम तो ऐसे ही किसानों में काम कमजोरी था, अभी फसल भी अच्छी है, फसल बीमा करवाया तो अभी 300 रुपये रोज दे रहे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत वर्ष 2017-18 में जो बीमा जिले में हुआ था उसके करीब 2,423 कृषकों के 48 लाख राशि जिला सहकारी केंद्र बैंक में प्राप्त हो गई है और शीघ्र वितरण उनके खाते में किया जा रहा है। अभी हमारे जिले में औसत उपज है जो वास्तविक है उसके अनुसार वर्षा ठीक होने से उत्पादन अच्छा हो रहा है। यदि नुकसान हो तो बीमा प्रधानमंत्री फसल बीमा का नुकसान भरपाई होती है।